आज जगह जगह ये शिकवा और इलाम सुनाई पड़ता है कि आप घर में बरकत नहीं गई, बरकत आएगी कहां से भाई? बरकत वाले अमल हमने कौन से किए? आज हमारे गांव क्या है, शहर से आगे चले गए। गांव के बच्चे बच्चियां औरतें सब 12 बजे 1 बजे तक जागते रहते, नमाज की पाबंदी नहीं रहेगी, इलावत का इंतमाम नहीं रह गया, सब मिला मिला के उसी मोबाइल पर वक्त गुजर रहा है, कोई बात करने में वक्त दे रहा है, कोई इस मोबाइल को देखने में वक्त लगा रहा है, घर के जिम्मेदार खबर देखने पे लगे, सब अपने अपने काम में उसी मोबाइल पे लगे हुए। अब जब देर से जोर है ना फजर का इंतमाम है, अगर फजर पढ़ भी ली बहुत धक्का धुक्की लेकर के, उसके बाद फौरन फिर बिस्तर पे चले, फजर पढ़ते जिक्र अस्कार कर लेते, कुरान की तिलावत हो जाती, तस्बीह और तहमीदात बयान कर लिए जाते, सुबह में उठकर चहल पहल की ले कर ली जाती, तो रूहानी भी फायदा होता और जिस्मानी भी फायदा पहुंचता। लेकिन आदतों को बिगाड़ करके आज घरों में जो बरकत नहीं है उसमें सबसे बड़ा किरदार हमारा खुद का है।